ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने न्यायालय में चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिव गरजना अवधारणा केवल मेरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी नेता इसे करेंगे। बीच बीच में जो कुछ हुआ उसे कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए यह यात्रा की जाने वाली है। नेता जो पहले जा चुके उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। चुनाव आयोग की कुटिलता के कारण आज हमारा कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ है। बीच बीच में जो कुछ हुआ उससे कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए यह यात्रा की जाने वाली है। नेता जो पहले जा चुके हैं उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। चुनाव आयोग की कुटिलता के कारण आज हमारा कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चालूच राहील आणि ही लढाई सत्याची आहे आणि न्यायाची आहे। अंतिम विजय हा खऱ्या शिवसेनेचा बोगस नाही, ओरिजिनल त्यांचाच आमचाच। मैत्री नाही, सब लोग जा रहे हैं। महाराष्ट्र के गाँव गाँव में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, और हमारे गाँव के जो शिवसैनिक है, शिवसेना के जो ऑफिस बेरर है, उनको ताकत देने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए ये शिव गर्जना मुहिम, संकल्प मुहिम हमारी चल रही है। सब नेता, पार्टी के सब नेता, पार्टी के सब हमारे संपर्क प्रमुख सब हमारे साथ है, क्योंकि मैंने देखा है कि आज हमारे पास धनुष्य बाण का चिन्ह नहीं है। हमारे पास शिवसेना नाम चोर के लिए है, चोरी किया है, फिर भी जनता हमारे साथ है। ये मैं देखता हूँ, शिवसैनिक हमारे साथ है, ये भी मैं देखता हूँ। तो उनको एक ऊर्जा देने के लिए हमको जाना है। उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे पार्टी चीफ है, उनका आदेश हम लोग जा रहे हैं। दो घंटे के लिए अगर सीबीआई ईडी किसी के पास भी आती है तो देश का बादशाह बन जाए आज के जमाने में। लेकिन लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र की बात नहीं। आज भी अलोकतांत्रिक तरीके से ये देश चल रहा है, सिर्फ विरोधी है अपने, इसीलिए उनको सताया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मैंने कल भी कहा कि आपके पार्टी में सिर्फ संत महात्मा साधु बैठे, इधर दिन हिमालय और केदारनाथ से अप डाउन करते हैं मंत्रालय में, आपके सब एमएलए एमपी, हाँ आपके फाइनेंसर जिसने एलआईसी को लूटा, पंजाब नेशनल बैंक को लूटा, स्टेट बैंक को लूटा, जनता का पैसा, उनको नहीं हाथ लगाने की हिम्मत आप? इसलिए अगर किसी ने कहा है कि दो घंटे के लिए सीबीआई दे दीजिए, उसको सीधा कर दूंगा, ये उसके मन की भड़ास है। एक प्रकार से एक अंदर से जो आदमी खुल जाता है, ये सबके मन में भरा सा है। आप सिर्फ इस प्रकार के जो यंत्रणा है, सिस्टम है, उनका गैर इस्तेमाल करके आप ये सब कर रहे हैं, ये सब तो दिख रहा है। आपके पार्टी के मैं 100 लोगों के नाम दे सकता हूँ और दिया भी है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं? संसद में बार बार सवाल उठते हैं, राहुल गांधी उठाते हैं, हम सब उठाते हैं, क्या किया आपने? बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।